दीदी, शहर में मेरे अधिकतर दोस्तों के पास ईमेल अकाउंट है। मैं भी एक रखने का इच्छुक हूँ। क्या मैं भी ईमेल अकाउंट खोल सकता हूँ? बिल्कुल रोहन, तुम भी विभिन्न ईमेल सेवाओं के द्वारा अपना ईमेल अकाउंट खोल सकते हो। लेकिन कैसे दीदी? मैं ईमेल के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि ईमेल सेवाओं के द्वारा तुम अपना अकाउंट कैसे खोल सकते हो। बहुत अच्छा दीदी। ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल इंटरनेट पर संदेशों के आदान प्रदान का एक तरीका है। ईमेल में कई भाग होते हैं, प्राप्तकर्ता क्षेत्र, विषय क्षेत्र और संदेश क्षेत्र। इन अनुप्रयोगों का उपयोग करने के लिए आपके पास एक ईमेल अकाउंट होना चाहिए। वेब आधारित बहुत सारी ईमेल सेवाएं उपलब्ध हैं, जैसे जीमेल, याहू और हॉटमेल। आप इनमें से किसी एक वेबसाइट पर अथवा सभी पर अपना ईमेल अकाउंट बना सकते हैं। चलो हम सीख। जीमेल अकाउंट बनाने के लिए पहले वेब ब्राउजर खोलें। अब एड्रेस बार में www.gmail.com टाइप करें। तब गो बटन पर क्लिक करें या एंटर बटन दबाएं। उसके बाद नया अकाउंट बनाएं पर क्लिक करें। अब ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरें। तब आगे बटन पर क्लिक करें और तब जीमेल पर जारी रखें पर क्लिक करें। अब अपना ईमेल अकाउंट प्रयोग कर सकते हैं। जीमेल अकाउंट का प्रयोग करना। जीमेल अकाउंट तक पहुंचने के लिए आपको पहले साइन इन करना होगा और इसके लिए पहले जीमेल होम पेज पर जाएं और स्क्रीन पर दाईं ओर दिखाए गए पर अपना उपयोगकर्ता का नाम व पासवर्ड टाइप करें, फिर साइन इन बटन दबाएं। अब आप अपने अकाउंट पृष्ठ देख सकते हैं। पृष्ठ पर विभिन्न लिंक जैसे इनबॉक्स, स्टार्ट, इम्पोर्टेंट, सेंट मेल, ड्राफ्ट और कंपोज होते हैं। ये लिंक अपने से संबंधित जानकारी रखते हैं। इनबॉक्स सभी प्राप्त होने वाले संदेशों को संचित करता है। इनबॉक्स पर क्लिक करके आप प्राप्त सभी संदेशों तक पहुंच सकते हैं। आप अपने ऑनलाइन मित्रों से गपशप भी कर सकते हैं। दाहिने भाग पर आप प्राप्त की गई सभी ईमेलों को देख सकते हैं और उनमें से किसी को देखने के लिए आप उसे खोल सकते हैं। यदि आप ईमेल भेजने वाले को जवाब देना चाहते हैं, तो ईमेल के दाहिनी ओर दिख रहे तीर पर क्लिक करें और फिर रिप्लाई बटन पर क्लिक करें। एक रिप्लाई बॉक्स दिखाई देगा जिस पर सेवा में के क्षेत्र में प्राप्तकर्ता की ईमेल आईडी दर्ज होगी। संदेश क्षेत्र में अपना जवाब टाइप करें, फिर ईमेल भेजने के लिए ऊपर दाहिनी ओर दिख रहे भेजे बटन पर क्लिक करें। दीदी, अपने किसी एक मित्र को ईमेल कैसे भेज सकता हूँ? यह बहुत आसान है। केवल नीचे दिए गए पदों का अनुसरण करें। पहला, कंपोज संदेश बनाएं पर क्लिक करें। एक नई संदेश विंडो दिखेगी। तब सेवा में क्षेत्र में उसकी ईमेल आईडी टाइप करें जिसे आप संदेश भेजना चाहते हैं। कई लोगों को एक साथ ही संदेश भेजने के लिए आप सेवा में क्षेत्र में अल्पविराम के साथ उनकी आईडी टाइप कर उन्हें एक साथ ही संदेश भेज सकते हैं। अब विषय क्षेत्र में अपने संदेश का विषय टाइप करें। विषय क्षेत्र बॉक्स के ठीक नीचे अटैच फाइल लिंक पर क्लिक करके आप अपने संदेश के साथ दस्तावेज या चित्र भी भेज सकते हैं। संदेश क्षेत्र ठीक ऊपर फॉर्मेटिंग बटन आपको अपनी इच्छा अनुसार संदेश को फॉर्मेट सुविधा देता है। फिर अपने संदेश को भेजने के लिए भेजें बटन पर क्लिक करें। सफलतापूर्वक भेजे गए सभी ईमेल भेजे गए संदेश फोल्डर में संरक्षित हो जाएंगे। आपके कुछ अपूर्ण संदेश ड्राफ्ट फोल्डर में संरक्षित हो जाएंगे। आप इन ड्राफ्ट संदेशों को कभी भी पूरा कर भेज सकते हैं। नया संदेश बनाने के लिए पहले नया संदेश बनाएं यानी कंपोज मेल पर क्लिक करें। फिर टू बॉक्स में उसकी ईमेल आईडी टाइप करें जिसे आप संदेश भेजना चाहते हैं। यदि आप संदेश की प्रति किसी अन्य को भी भेजना चाहते हैं, तो उसका ईमेल एड्रेस सीसी बॉक्स में टाइप करें। सीसी का अर्थ है कार्बन कॉपी। अब विषय क्षेत्र में अपने संदेश का संक्षिप्त विषय टाइप करें। अब विषय क्षेत्र के ठीक नीचे खाली स्थान पर अपना संदेश लिख सकते हैं। इस सब जानकारी के लिए
धन्यवाद दीदी। अब यदि मैं अपने मित्र की ईमेल का जवाब देना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? ईमेल का जवाब देने के तरीके हैं। पहला, संदेश को चुनो, तब रिप्लाई पर क्लिक करो। तब आप कंपोज पृष्ठ पर निर्देशित कर दिए जाएंगे, जिस पर भेजने वाले का ईमेल पता और संदेश का विषय पहले से ही दर्ज होगा। अब विषय क्षेत्र के ठीक नीचे खाली स्थान पर अपना संदेश लिखें। यदि आप संदेश ड्राफ्ट संदेश की भांति संरक्षित करना चाहते हैं, तो सेव ड्राफ्ट या सेव नाउ पर क्लिक करें। अपने संदेश को भेजने के लिए भेजे बटन पर क्लिक करें। आप अपने ईमेल संदेश के साथ दस्तावेज या चित्र भी जोड़कर भेज सकते हैं। कंपोज पृष्ठ पर सबसे नीचे अटैच फाइल आइकन पर क्लिक करें। एक नई विंडो आपको निर्देशित करते हुए प्रकट होगी कि फाइल जिस फोल्डर में सुरक्षित हो उसे चुनो। जिस फाइल को जोड़ना चाहते हो उसे खोजें और फिर उस पर क्लिक करो। तत्पश्चात विंडो पर ओपन पर क्लिक करें। जिस फाइल को जोड़ा है वह सब्जेक्ट बॉक्स के नीचे दिखाई देगी। अपने संदेश को भेजने के लिए भेजें बटन पर क्लिक करें। एक संदेश अथवा कई संदेशों को मिटाने के लिए पहले इनबॉक्स पर क्लिक करें, तब उन संदेशों के बगल में बने चेक पर क्लिक करें जिन्हें आप मिटाना चाहते हों, और तब पृष्ठ में ऊपर डिलीट आइकॉन पर क्लिक करें। ईमेल अकाउंट से बाहर निकलने के लिए पहले साइन आउट लिंक ढूंढें और उस पर क्लिक करें, जो प्रायः ईमेल अकाउंट के दाईं ओर होता है। जिससे आपको ईमेल प्राप्त हुआ है उसे जवाब देने के लिए रिप्लाई विकल्प का चयन करें। प्राप्त संदेश में व्यक्त की गई सभी ईमेल आईडी पर जवाब भेजने के लिए रिप्लाई ऑल विकल्प का चयन करें। यदि आप किसी विशेष संदेश को किसी ऐसे व्यक्ति को भेजना चाहते हैं जिसकी ईमेल आईडी संदेश की किसी भी फील्ड में नहीं है, तो आप उस संदेश को उसे अग्रसारित या आगे किसी अन्य को भेज सकते हैं। इसके लिए आपको फॉरवर्ड बटन का प्रयोग कर ईमेल आईडी टाइप कर और सेंड बटन का चयन करना होता है। अब मुझे अपने अकाउंट में प्रवेश करके दिखाएं, एक संदेश बनाएं और एक फोटो के साथ अपने किसी मित्र को भेजें। हाँ, मैं भी स्वयं प्रयास करने को उत्सुक हूँ। स्टेप वन, जीमेल होम पेज में अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालें और साइन इन पर क्लिक करें। स्टेप टू, कंपोज बटन पर क्लिक करें, एक नई मैसेज विंडो प्रदर्शित हो जाएगी। स्टेप थ्री, अपने दोस्त का ईमेल आईडी टू फील्ड में टाइप करें। स्टेप फोर, सब्जेक्ट फील्ड में अपने संदेश का विषय लिखें। स्टेप फाइव, फोटो अटैच करने के लिए अटैच फाइल पर क्लिक करें। स्टेप सिक्स, एक नई विंडो प्रदर्शित की जाएगी, फोटो का चयन करें और ओपन पर क्लिक करें। स्टेप सेवन, मैसेज बॉक्स में अपना संदेश टाइप करें। स्टेप एट, ईमेल भेजने के लिए सेंड बटन दबाएं। मैं जानती हूँ कि अब तुम ईमेल सुविधाओं का उपयोग कर सकते हो। यहाँ एक गतिविधि दी गई है जिससे आप अब तक सीखी बातों को दोहराएंगे। इंटरनेट का उपयोग करने के विभिन्न रोचक तरीके हैं। उनमें से एक है कि आप वॉइस मेल भेज सकते हैं या इंटरनेट का उपयोग मोबाइल फोन की तरह कर सकते हैं। सच दीदी, वाह, यह तो बहुत ही रोमांचकारी है। हाँ रोहन, बहुत सारी ऐसी सेवाएं हैं जो इंटरनेट को टेलीफोन युक्त बनाती हैं। आप उनमें से कुछ के बारे में मुझे कृपया बताइए। बिल्कुल, अब हम ऐसी सेवाओं के बारे में चर्चा करते हैं। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल एक तकनीक है जिसका उपयोग इंटरनेट पर फोन सेवाओं के लिए किया जाता है। VOIP के द्वारा इंटरनेट पर VOIP सेवा प्रदाता व मानक कंप्यूटर की आवाज प्रणाली का प्रयोग कर कॉल की जा सकती है। VOIP लंबी दूरी की पारंपरिक कॉल लागत की तुलना में अच्छी खासी बचत करता है। VOIP के प्रमुख उदाहरण है स्काइप। चलो सीखते हैं कि स्काइप को डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे किया जाए। स्काइप संचार का एक यंत्र है जो इंटरनेट के माध्यम से संसार भर में कहीं पर भी मुफ्त में बात करने की अनुमति देता है।
आप अपने कंप्यूटर, लैपटॉप से स्काइप प्रयोगकर्ता व लैंडलाइन या मोबाइल फोन पर शुल्क रहित कॉल कर सकते हैं। स्काइप की विशेषताएं हैं त्वरित संदेश भेजना, वॉइस कॉल व वीडियो कॉल। स्काइप को डाउनलोड और इंस्टॉल करने के कदम। पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर पर। एक बार जब इंटरनेट खुल जाए तब एड्रेस बार में www.skype.com टाइप करें। अब गो बटन पर क्लिक करें या एंटर दबाएं। स्काइप का होम पेज अब खुल जाएगा। तब डाउनलोड पर क्लिक करें। डिवाइस सेक्शन में कंप्यूटर डिफॉल्ट रूप से चुना गया है। तत्पश्चात गेट स्काइप फॉर विंडोज डेस्कटॉप स्काइप बटन पर क्लिक करें। स्काइप सेटअप .exe का प्रारंभिक पृष्ठ दिखाई पड़ेगा। अब फाइल का कंप्यूटर में समुचित स्थान पर सुरक्षित करने के लिए सेव बटन पर क्लिक करें। एप्लीकेशन को स्थापित करने के लिए उस स्थान पर जाएं जहां पर सेटअप फाइल को सुरक्षित रखा गया है और फिर स्काइप की सेटअप फाइल स्काइप सेटअप .exe पर डबल क्लिक करें। फाइल खोलें, सुरक्षा चेतावनी दिखाई पड़ती है। अब स्थापित करने की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए रन बटन पर क्लिक करें। अब ड्रॉप डाउन मेन्यू से भाषा इंग्लिश का चयन करें और फिर आई अग्री नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। तब कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। स्काइप का स्थापन प्रारंभ हो जाएगा। स्थापन प्रक्रिया पूर्ण होने तक प्रतीक्षा करें। एक बार जब स्थापन प्रक्रिया पूर्ण हो जाए तो नया अकाउंट बनाने के लिए क्रिएट एन अकाउंट बटन पर क्लिक करें। तब एक साइन इन वेब पृष्ठ प्रकट होगा। अब पंजीकरण फॉर्म पर आवश्यक विवरण दर्ज करें। अब सुरक्षा शब्द दर्ज करें और फिर आई अग्री कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। आपका स्काइप अकाउंट बन जाएगा। अब मैं आपको सिखाती हूँ कि आप संपर्कों के साथ संवाद स्थापित करने में स्काइप का प्रयोग कैसे करें। हाँ, कृपया समझाइए, यह सब बहुत ही रोचक है। स्काइप को चालू करने के लिए अपना स्काइप नाम व पासवर्ड दर्ज करें और तत्पश्चात साइन मी इन बटन पर क्लिक करें। अब यदि आप स्काइप में संपर्क जोड़ना चाहते हैं तो संपर्क मेन्यू पर क्लिक करें और संपर्क जोड़ें का चयन करें, फिर सर्च स्काइप डायरेक्टरी का चयन करें। जिस व्यक्ति से आप जुड़ना चाहते हैं उसका ईमेल आईडी, फोन नंबर, नाम व स्काइप नाम संपर्क को ढूंढें और फिर उसे संपर्क में जोड़ने के लिए ऐड कॉन्टैक्ट बटन पर क्लिक करें। एक संपर्क प्रार्थना बॉक्स खुलेगा जिससे आप जुड़ना चाहते हैं उसे आमंत्रित करने के लिए सेंड रिक्वेस्ट पर क्लिक करें। जब वह व्यक्ति आपके आमंत्रण को स्वीकारेगा तो उसका नाम आपकी संपर्क सूची पर प्रदर्शित होगा। आप संपर्क सूची से उस ऑनलाइन संपर्क का नाम चुन उससे संपर्क संवाद कर सकते हैं। संपर्क सूची का जो सदस्य ऑनलाइन होगा उसके नाम के आगे चेक मार्क हरा हो जाएगा। आप किसी के साथ गपशप करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट्स बटन पर क्लिक करें। उस संपर्क के नाम के साथ एक चैट विंडो खुलेगी। अपने कर्सर को चैट बॉक्स पर ले जाएं और अपना संदेश टाइप करना शुरू करें। संदेश भेजने के लिए सेंड पर क्लिक करें अथवा एंटर बटन को दबाएं। वॉइस कॉल के लिए कॉल बटन पर क्लिक करें। यदि संपर्क आपकी कॉल स्वीकार लेता है तो आप उससे बात कर सकते हैं। कॉल काटने के लिए एंड कॉल बटन पर क्लिक करें। यदि आपके कंप्यूटर पर वेब कैमरा स्थापित है तो आप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। वीडियो कॉल करने के लिए वीडियो कॉल बटन पर क्लिक करें। आप संपर्क को चुनकर उससे फाइलें भी साझा कर सकते हैं। फाइलें साझा करने के लिए पहले कॉन्वर्सेशन बटन को चुनें, फिर सेंड बटन को चुनें, फिर फाइल बटन को चुनें। आप जिस फाइल को भेजना चाहते हैं उसे खोजें और फिर ओपन पर क्लिक करें। आपका संपर्क भी आपको फाइलें भेज सकता है। यदि कोई फाइल भेजी गई होगी तो संपर्क सूची के नोटिफिकेशन विंडो में ऑरेंज चेक मार्क्स के रूप में प्रदर्शित होगी। आप सेव एज बटन का चयन कर फाइल प्राप्त कर सकते हैं। तत्पश्चात जिस स्थान पर आप फाइल को संरक्षित करना चाहते हो का चयन करें, फिर सेव बटन का चयन करें। फाइल खोलने के लिए ओपन फाइल या शो इन फोल्डर पर क्लिक करें। यदि आप स्काइप का प्रयोग समाप्त कर चुके हों तो साइन आउट करने के लिए
स्काइप क्लिक करें, फिर साइन आउट बटन का चयन करें। अब मैं आपको स्वतः स्काइप का प्रयोग करते हुए देखना चाहती हूँ। अवश्य। स्टेप वन, स्काइप प्रारंभ करें। स्टेप टू, अपना स्काइप नाम और पासवर्ड दर्ज करें और फिर साइन इन पर क्लिक करें। स्टेप थ्री, कॉन्टैक्ट टैब पर क्लिक करें और उस दोस्त का चयन करें जिससे आप चैट करना चाहते हैं। स्टेप फोर, बातचीत शुरू करने के लिए कॉल अथवा वीडियो कॉल बटन पर क्लिक करें। स्टेप फाइव, यह आपको उस दोस्त से कनेक्ट करना शुरू करेगा जिसके साथ आप चैट करना चाहते। मैं आपको एक और सेवा के विषय में बताती हूँ जिसका प्रयोग भी इसी उद्देश्य के लिए होता है। इसे हैंगआउट कहते हैं। हैंगआउट? हाँ, हैंगआउट। यह गूगल द्वारा विकसित एक त्वरित संदेश वाहक और वीडियो चैट मंच है। यह गूगल के तीन संदेश वाहक उत्पाद टॉक, गूगल प्लस, मैसेंजर और हैंगआउट का मिश्रित संस्करण है। हैंगआउट दो या दो से अधिक लोगों के मध्य बातचीत को बनाए रखता है। हैंगआउट एप्लीकेशन में बहुत सारी विशेषताएं हैं। हैंगआउट का प्रयोग शुरू करने के लिए निम्न पदों का अनुसरण करें। पहला, गूगल प्लस में हैंगआउट निशान को सृजित करना। गूगल प्लस एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जो गूगल के खाता धारकों के लिए बनाई गई है। अब हैंगआउट का फ्रेम ढूंढते हैं। हैंगआउट गूगल प्लस पृष्ठ पर दाएं हाथ की ओर स्थित होता है। आगे एक नया हैंगआउट बनाने के लिए हैंगआउट सूची में सबसे ऊपर के क्षेत्र में न्यू हैंगआउट पर क्लिक करें। यह सूची आपके संपर्कों की सूची व गूगल प्लस के गोले के निशान में परिवर्तित हो जाएगी। जिस आदमी को आप हैंगआउट से जोड़ना चाहते हैं उसके नाम के आगे के बॉक्स को चेक करें। लोगों व मंडली की खोज आप सर्च बॉक्स पर नाम, ईमेल पते अथवा फोन नंबर लिखकर भी कर सकते हैं। अब गूगल प्लस हैंगआउट में गपशप प्रारंभ करने के लिए उन व्यक्तियों पर क्लिक करें जिनके साथ आप चैट करना चाहते हैं। एक छोटी विंडो प्रकट होगी। सेंड अ मैसेज बॉक्स में लेख लिखें और एंटर दबाएं। यदि आप अपने वार्तालाप में इमोजी जोड़ना चाहते हैं तो मुस्कुराते चेहरे पर क्लिक करें अथवा चैट क्षेत्र के दाईं ओर से मुस्कुराते चेहरे को उठाएं। मनोभाव व इमोजी की एक सूची खुल जाएगी जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं। वे कई वर्गों में विभाजित होते हैं जो कि मनोभाव स्क्रीन के ऊपर आइकॉन को चुनकर ले जाए जा सकते हैं। आप चैट क्षेत्र के दाईं ओर पर कैमरा आइकॉन पर क्लिक करके अपने हैंगआउट के साथ फोटो जोड़ सकते हैं। यह अपने कंप्यूटर से फोटो का चयन करें का विकल्प या मोबाइल डिवाइसों पर विकल्प मेन्यू खोलेगा। आप फोटो लेने के लिए अपने वेबकैम या कैमरे के फोन प्रयोग कर सकते हैं या आप किसी अन्य स्रोत से फोटो को जोड़ सकते हैं जैसे कि कंप्यूटर अथवा फोन की मेमोरी। चैट को वीडियो चैट में बदलने के लिए चैट बॉक्स के ऊपर मौजूद वीडियो कैमरा बटन पर क्लिक करें। दूसरे व्यक्ति को सूचना प्राप्त हो जाएगी कि आप वीडियो चैट का प्रयास कर रहे हैं। आप कंप्यूटर व मोबाइल दोनों पर वीडियो चैट कर सकते हैं। यदि आप अपनी चैट सेटिंग को समन्वित करना चाहते हैं तो चैट विंडो में गियर आइकन पर क्लिक करके आर्काइव सेटिंग का चयन अपने साथ चैट करने से रोक सकते हैं। यदि आप मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं तो मेन्यू बटन दबाएं और मेन्यू पर प्रकट हो रहे अपने विकल्प को चुनें। आप चैट विंडो के बाएं हाथ पर मौजूद ग्रुप हैंगआउट बटन पर क्लिक करके समूह में हैंगआउट कर सकते हैं। चेकबॉक्स पर क्लिक करके आप समूह बना सकते हैं जिसमें आप हैंगआउट करना चाहते हैं। आप चैट को भविष्य में कभी देखने के लिए YouTube पर संरक्षित भी कर सकते हैं। क्या यह रोमांचक नहीं था? अब हम गतिविधि में भाग लेंगे। रोहन, आजकल दुनिया भर में लोग एक दूसरे से बातें करने के लिए फेसबुक व अन्य सोशल मीडिया सेवाओं का प्रयोग करते हैं। दीदी, फेसबुक व सोशल मीडिया सेवाएं क्या है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ओह, चिंता मत करो, मैं तुम्हें उनके बारे में बताऊंगी। सोशल मीडिया उस साधन को दर्शाती है जिससे लोग इंटरनेट नेटवर्क से परस्पर संबंध या आपसी संवाद स्थापित करते हैं और सूचना बनाते हैं, साझा करते हैं और आदान प्रदान करते हैं। सोशल मीडिया ऑनलाइन संचार के माध्यमों का संग्रह है
जो कि समुदाय आधारित निवेश, आपसी संवाद, विषय वस्तु साझा करने और सहयोग को समर्पित है। सोशल मीडिया एप्लीकेशन के उदाहरण हैं फेसबुक, ब्लॉग, ट्विटर और लिंक्डइन। सोशल मीडिया के कई प्रकार होते हैं, चलो हम उन सब के बारे में और जानें। सोशल मीडिया टूल के प्रकार हैं ऑनलाइन चैट, ब्लॉग, सोशल नेटवर्किंग। इंटरनेट पर किसी भी प्रकार के विचारों के आदान प्रदान को ऑनलाइन चैट कहा जा सकता है, जिसमें कि लिखित संदेश संचार भेजने वाले से प्राप्त करने वाले को उसी समय पर संवाहित होता है। ऑनलाइन चैट को पॉइंट टू पॉइंट संचार के साथ साथ मल्टीकास्ट संचार से संबोधित कर सकते हैं, जिसमें एक व्यक्ति के संदेश को बहुत सारे लोग एक साथ प्राप्त कर सकते हैं, उससे वॉइस या वीडियो चैट कर सकते हैं। याहू मैसेंजर और जी टॉक इसके उदाहरण हैं। ब्लॉग किसी व्यक्ति विशेष, समूह अथवा संगठन द्वारा रखा जाने वाला ऑनलाइन बही खाता है। ब्लॉग का प्रयोग अपने किसी विषय पर जानकारी को इंटरनेट पर लिखकर साझा करने में किया जा सकता है। किसी हाल ही की घटना या नतीजे पर सूचना को साझा करने और रोचक चर्चा व वाद विवाद को साझा करने में किया जाता है। ब्लॉग के उदाहरण हैं ब्लॉगर और वर्डप्रेस। सोशल नेटवर्किंग एक मंच है जो उन लोगों के मध्य एक सामाजिक नेटवर्क या सामाजिक रिश्ता बनाता है जो एक दूसरे से अपनी रुचियां, क्रियाकलाप, पृष्ठभूमि अथवा वास्तविक जीवन के संबंधों को साझा करते हैं। फेसबुक, ट्विटर और लिंक्डइन। वर्तमान में फेसबुक सबसे अधिक प्रसिद्ध सोशल मीडिया सेवा है। मुझे यह दिखाने दो कि आप उसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल दीदी, मैं फेसबुक में बहुत इच्छुक हूँ। फेसबुक के प्रयोग करने का ढंग है, पहले वेब ब्राउजर खोलें, तब एड्रेस बार में www.facebook.com टाइप करें, फिर गो पर क्लिक करें अथवा एंटर बटन दबाएं। साइन अप में बॉक्स में पंजीकरण का विवरण भरें, फिर साइन अप बटन पर क्लिक करें। यह आपको तीन चरणों में पूर्ण वाली पंजीकरण प्रक्रिया पर ले जाएगा। अब संपर्क में जोड़ने के लिए फाइंड फ्रेंड्स पर क्लिक करें। आप इस पृष्ठ की प्रक्रिया को छोड़ भी सकते हैं। फिर प्रोफाइल सूचना पृष्ठ को भरें। आप इस पृष्ठ की प्रक्रिया को भी छोड़ सकते हैं। आप अपने कंप्यूटर में मौजूद फोटो को अपनी प्रोफाइल पर अपलोड कर सेट कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें और आपका फेसबुक अकाउंट बन जाएगा। आप फाइंड पीपल यू नो भाग में लोगों का नाम या ईमेल आईडी टाइप कर उन्हें जोड़ भी सकते हैं। आप अपनी अवस्था को भी फेसबुक पर अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए स्टेटस बटन पर क्लिक करें और फिर अपनी अवस्था को टाइप करें और पोस्ट बटन दबाएं। टाइमलाइन टैब में आप अपने कार्य स्थान, शहर, स्कूल और संबंधों का विवरण दे सकते हैं। टाइमलाइन बार में एक सर्च बॉक्स भी होता है जहां आप अपने मित्रों का नाम लिखकर उन्हें खोज सकते हैं और फिर उनकी प्रोफाइल देख सकते हैं। मित्रता का निवेदन भेजने के लिए ऐड फ्रेंड पर क्लिक करें। एक बार जब आप फेसबुक पर समाप्त कर चुके हैं तो आप फेसबुक बार पर सेटिंग आइकॉन पर क्लिक करके साइन आउट कर सकते हैं, फिर लॉग आउट विकल्प पर क्लिक करें। अब आपके पास फेसबुक अकाउंट है। जब आपको अगली बार फिर देखना हो तो अपने ईमेल या फोन नंबर और फिर पासवर्ड का प्रयोग करते हुए साइन इन करें। फेसबुक अकाउंट आपको संदेश, स्टेटस मैसेज भेजने की अनुमति देता है जो आपके मित्रों द्वारा देखा व पढ़ा जा सकता है। संदेश, स्टेटस मैसेज भेजने के लिए अपडेट स्टेटस के नीचे ब्लैंक बॉक्स पर क्लिक करें और अपना संदेश टाइप करें, फिर पोस्ट बटन पर क्लिक करें। किसी पोस्ट अथवा फोटो अथवा कंटेंट पर अपने विचार भेजने के लिए मैसेज के नीचे कमेंट लिंक पर क्लिक करें। एक टेक्स्ट बॉक्स दिखाई देगा, अपने विचारों को टाइप करें और एंटर दबाएं। फेसबुक बार आपको आपके मित्र के अनुरोध, संदेश और तत्कालिक क्रियाकलापों के विषय में बताता है। दी गई आकृतियां उन्हें उजागर करती हैं। फेसबुक कई व्यापारों के अपने ग्राहकों संवाद करने तथा कंपनी को बढ़ावा देने के तरीके को बदल रहा है। बड़े ब्रांड व छोटे छोटे स्टोर अपने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए फेसबुक संभावनाओं का सफलतापूर्वक प्रयोग कर रहे हैं।
बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए फेसबुक पर पेज बनाना फेसबुक के उपयोगों में से एक है। चूंकि यह संसाधन शुल्क रहित है, आप आसानी से इस साइट की पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। आप अपने बिजनेस की प्रोफाइल बनाने के लिए होम पेज के तल पर स्थित क्रिएट अ पेज पर क्लिक करें। लोकल बिजनेस और प्लेस पर क्लिक करें। ड्रॉप डाउन बॉक्स में सूचीबद्ध विकल्पों में से वर्ग का चयन करें और फॉर्म में विवरण जैसे पता, शहर और संपर्क नंबर भरें। गेट स्टार्टेड बटन पर क्लिक करें। अगली विंडो में आपको अपने व्यापार के सभी विवरण भरने होंगे। आप जिस व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं उसके बारे में कुछ बुनियादी जानकारियां उपलब्ध करानी होंगी। अपने पेज पर प्रोफाइल पिक्चर जोड़ने के लिए आप या तो अपने कंप्यूटर पर उपलब्ध फाइल को अपलोड कर सकते हैं या अपनी वेबसाइट से मंगा सकते हैं। आप पेज को अपनी पसंदीदा सूची में जोड़ सकते हैं। आप अपने बिजनेस पेज पर पेमेंट मोड जोड़कर अधिक लोगों तक पहुंच सकते हैं। यदि आप पेमेंट मोड जोड़ने के इच्छुक नहीं हैं, तो आप इस चरण को छोड़ सकते हैं। यदि आप अपने पेज के लिए भुगतान पद्धति जोड़ने के इच्छुक हैं, तो यह विंडो प्रकट होगी। अपने देश के रूप में भारत का चुनाव करें। जब आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते हैं तो एक विंडो प्रकट होती है जो आपसे आपके कार्ड के विवरण के बारे में पूछती है। कार्ड का विवरण भरें और सबमिट पर क्लिक करें। भविष्य में खरीदारी के लिए फेसबुक आपके भुगतान की जानकारी को सुरक्षित रखेगा। आप अकाउंट सेटिंग्स में कभी भी यह जानकारी मिटा सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं। आप अपने मित्रों को अपने पेज का सुझाव देकर उसे लोकप्रिय बना सकते हैं। अपना पेज पसंद कराने के उद्देश्य से आप अपने मित्रों को बिल्ड ऑडियंस बटन पर क्लिक कर आमंत्रित भी कर सकते हैं। आपके मित्रों के नामों की एक सूची प्रकट होगी। आप अपना फेसबुक पेज देखने के लिए चुन सकते हैं और आमंत्रित कर सकते हैं। आप पृष्ठ पर ही दिए गए विभिन्न आइकॉनों पर क्लिक करके अपने पेज की जानकारी प्रोफाइल फोटो को बदल सकते हैं। स्टेटस मैसेज पोस्ट करने के लिए कर्सर को स्टेटस के नीचे के बॉक्स पर पहुंचाने के लिए वहां पर क्लिक करें। अपना मैसेज टाइप करें और शेयर पर क्लिक करें। किसी पोस्ट अथवा फोटो अथवा कंटेंट पर अपने विचार भेजने के लिए मैसेज के नीचे कमेंट लिंक पर क्लिक करें। अपने कर्सर को कमेंट बॉक्स में पहुंचाने के लिए क्लिक करें। अपने कमेंट को टाइप करें और कीबोर्ड पर एंटर दबाएं। फेसबुक अकाउंट से साइन आउट करना। फेसबुक से साइन आउट करने के लिए होम पेज पर ऊपर दाहिनी ओर ड्रॉप डाउन एरो बटन पर क्लिक करें। फेसबुक से बाहर निकलने के लिए लॉग आउट पर क्लिक। अब अपने आप फेसबुक का प्रयोग करने की कोशिश करें। हाँ, अब मैं इतना जानता हूँ। स्टेप वन, फेसबुक होम पेज में अपना ईमेल आईडी या फोन और पासवर्ड दर्ज करें और फिर लॉगिन पर क्लिक करें। स्टेप टू, स्टेटस अपडेट के रूप में एक फोटो को जोड़ने के लिए ऐड फोटोज अथवा वीडियो पर क्लिक करें। स्टेप थ्री, एक नई विंडो प्रदर्शित की जाएगी। फोटो का चयन करें और ओपन पर क्लिक करें। स्टेप फोर, टेक्स्ट बॉक्स में अपना स्टेटस अपडेट लिखें। स्टेप फाइव, अपनी स्टेटस अपडेट प्रकाशित करने के लिए पोस्ट पर क्लिक करें। चलो अब ट्विटर नाम की एक और शक्तिशाली सोशल नेटवर्किंग साइट के बारे में जानते हैं। ट्विटर के माध्यम से आप बाहर तक पहुंच सकते हैं और दुनिया भर में लोगों के साथ अपने विचार प्रभावी ढंग से साझा कर सकते हैं। यह फ्री है और दुनिया भर में लाखों लोगों द्वारा आपस में बातचीत करने व सक्रिय रूप से जानकारी साझा करने में प्रयोग की जा रही है। ट्विटर का प्रयोग करने के पद हैं। पहले ट्विटर पर एक अकाउंट बनाएं। www.twitter.com पर जाएं और आवश्यक सूचना भरकर साइन अप करें। एक बार जब आपने अपना अकाउंट बना लिया है और सफलतापूर्वक साइन इन कर लिया है तो आप ट्विटर का प्रयोग प्रारंभ कर सकते हैं। यदि आप अपने अनुयायियों के साथ कोई सूचना साझा करना चाहते हैं तो टेक्स्ट बॉक्स में अपना संदेश लिखें और फिर नीचे दिए बटन पर क्लिक करें। ट्वीट केवल 140 अक्षरों तक का ही हो सकता है, अतः यह आपके ट्वीट को संक्षिप्त रखता है। उन व्यक्तियों का पीछा करने के लिए जिनसे आप ट्वीट प्राप्त करते रहना चाहते हैं, होम पेज पर दिए हुए मेन्यू बटन का प्रयोग करें और फिर हु टू फॉलो क्षेत्र के नीचे प्रदर्शित फॉलो बटन पर क्लिक करें।
किसी को सूची में जोड़ने के लिए उसकी प्रोफाइल पर जाइए और टूल बार में उसके आइकॉन पर क्लिक करें और ऐड और रिमूव फ्रॉम लिस्ट का चयन करें। आपकी सूची के साथ एक मेन्यू प्रकट होगा। आप एक नई लिस्ट बनाना चुन सकते हैं या मौजूद सूची में ही आदमी को जोड़ सकते हैं। अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करने के लिए आप अपने यूजर नाम के नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू में सेटिंग पर क्लिक करें, तब प्रोफाइल विकल्प पर क्लिक करें, फिर कंप्यूटर पर उस फोल्डर को चुनने के लिए जिसमें आपने फोटो सेव कर रखा है चूज फाइल पर क्लिक करें। यह पिक्चर पूरी साइट पर आपके नाम के साथ दिखाई देगी। यह JPG, GIF या PNG फाइल होनी चाहिए और 700 KB से छोटी होनी चाहिए। प्रोफाइल का शेष विवरण जैसे अपना नाम, स्थान या वेबसाइट भर सकते हैं। यदि आप फेसबुक पर ट्वीट पोस्ट करना चाहते हैं, तो प्रोफाइल पेज के तल पर पोस्ट योर ट्वीट टू फेसबुक बटन पर क्लिक करें। ट्वीट मीडिया और प्राइवेसी सेटिंग की समीक्षा करें। यह आपकी सेटिंग के अकाउंट के तहत सूचीबद्ध होते हैं। एप्लीकेशन बॉक्स को चेक करें और सेव चेंजेस बटन पर क्लिक करें। समय समय पर अपना पासवर्ड बदलते रहें। समय समय पर अपना पासवर्ड बदलकर अपने अकाउंट की सुरक्षा करें। इसके लिए सेटिंग में पासवर्ड पर क्लिक करें। अपना पुराना पासवर्ड एंटर करें, फिर दो बार अपना नया पासवर्ड एंटर करें, फिर समाप्त करने के लिए चेंज पर क्लिक करें। तय करें कि आप ट्विटर से ईमेल कब प्राप्त करना चाहते हैं। नोटिफिकेशंस टैब के अंतर्गत कार्यों की एक सूची होती है। उन कार्यों जिनके लिए आप ईमेल प्राप्त करना चाहते हैं के बाद बॉक्सों को चेक करें। प्रत्येक प्रोफाइल डिफॉल्ट बैंक ग्राउंड व कलर स्कीम के साथ शुरू होती है। निम्न पदों के द्वारा आप इसका निजीकरण कर सकते हैं। सेटिंग की डिजाइन टैब पर क्लिक करें। आप चेंज बैकग्राउंड इमेज बटन का प्रयोग करके उपलब्ध चित्रों अथवा स्वयं के द्वारा अनलोड या अपलोड किए गए चित्रों में बैकग्राउंड का चयन कर सकते हैं। तब अपने कंप्यूटर से अपलोड करने के लिए चूज फाइल पर क्लिक करें। चेंज डिजाइन कलर पर क्लिक करके आप रंग योजना के साथ भी खेल सकते हैं। देखते हैं कि क्या आप अपने आप ट्विटर का उपयोग कर सकते हैं। स्टेप 1, ट्विटर होम पेज में अपना ईमेल आईडी या फोन या यूजर नेम और पासवर्ड डालें और फिर साइन इन पर क्लिक करें। स्टेप 2, एक तस्वीर के साथ ट्वीट करने के लिए कंपोज न्यू ट्वीट टेक्स्ट बॉक्स में अपना संदेश टाइप करें। स्टेप 3, ऐड फोटो पर क्लिक करें। एक नई विंडो प्रदर्शित की जाएगी। फोटो का चयन करें और ओपन पर क्लिक करें। फोटो अपलोड हो जाएगा। स्टेप 4, ट्वीट बटन पर क्लिक करें। अब मुझे यकीन है कि तुम फेसबुक व ट्विटर का आसानी से प्रयोग कर सकते हो। बिल्कुल दीदी, निश्चित रूप से कर सकता हूँ। रोहन, क्या तुम जानते हो कि कुछ ऐसी वेबसाइटें भी हैं जो ढेर सारी ऐसी जानकारियाँ उपलब्ध कराती हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं? नहीं दीदी, ये कौन सी साइटें हैं? वे हैं YouTube और विकिपीडिया, दो सर्वाधिक लोकप्रिय साइटें हैं जिनके द्वारा सूचना प्राप्त कर सकते हैं व साझा कर सकते हैं। YouTube Google द्वारा पेश की गई एक फ्री वेबसाइट है। यह 2005 में बनाया गया वीडियो शेयर करने का मंच है। YouTube अरबों लोगों को मूल रूप से बनाए गए वीडियो को खोजने, देखने व साझा करने की अनुमति देता है। YouTube दुनिया भर में लोगों को जुड़ने, सूचित और प्रेरित करने के लिए मंच उपलब्ध कराता है तथा मूल सामग्री संचित करने वाले छोटे व बड़े विज्ञापन दाताओं के लिए एक वितरण मंच के रूप में कार्य करता है। YouTube चलाने के लिए आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी, एडोब फ्लैश प्लेयर और स्पीकर की आवश्यकता होगी। पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करें और इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलें। फिर एड्रेस बार में www.youtube.com टाइप करें और गो बटन पर क्लिक करें या एंटर दबाएं। YouTube वेब पेज लोड होता है। आप पेज के टॉप पर सर्च बार देख सकते हैं। अब सर्च आइटम्स या सर्च कीवर्ड्स टाइप करें और सर्च बटन पर क्लिक करें या एंटर दबाएं। फिर संबंधित वीडियो देखने के लिए लिंक पर क्लिक करें। आप देखें कि चयनित वीडियो वीडियो प्लेयर में चलने लगता है। आप वीडियो प्लेयर के नीचे विभिन्न नियंत्रक जैसे प्ले,
पॉज, वॉल्यूम, म्यूट, टोटल टाइम, चेंज क्वालिटी और फुल स्क्रीन देख सकते हैं। आप वीडियो के नीचे वीडियो का विवरण व उस पर टिप्पणियां देख सकते हैं। आपको लोकप्रिय व सामान्य वीडियो देखने के लिए अकाउंट रखने की आवश्यकता नहीं होती है, किंतु निजी वीडियो देखने के लिए आपको लॉगिन अकाउंट की आवश्यकता होती है। गूगल अकाउंट का प्रयोग करते हुए यूट्यूब मत साइन इन करने के लिए यूट्यूब वेब पेज के दाएं हाथ के कोने में सबसे ऊपर साइन इन बटन पर क्लिक करें। गूगल साइन इन पेज प्रकट होता है। अब अपना ईमेल एड्रेस तथा पासवर्ड टाइप करें और साइन इन बटन पर क्लिक करें। यदि आपके पास गूगल अकाउंट नहीं है तो आपको उसे बनाना होगा। यूट्यूब पेज प्रकट होगा। सर्च बॉक्स के बाद अपलोड बटन पर क्लिक करें। पहली बार उपयोग करने वालों से यह अपना चैनल स्थापित करने के लिए कहेगा और कुछ निजी जानकारियां जैसे लिंक और जन्मतिथि पूछेगा। इन विवरणों को भरें और कंटिन्यू टू अपलोड बटन पर क्लिक करें। फिर सिलेक्ट फाइल टू अपलोड बटन पर क्लिक करें। अब अपने कंप्यूटर के माध्यम से ब्राउज करें, जो वीडियो आप अपलोड करना चाहते हैं उसे चुनें, फिर ओपन बटन पर क्लिक करें। आप देखेंगे कि अपलोडिंग चालू हो गई है और प्रगति आपको वेब पेज पर दिखाई देती है। जब अपलोडिंग पूरी हो जाती है तो एक संदेश अपलोड कंप्लीट प्रकट होता है। आप बाद में वीडियो यूट्यूब पर देख सकते हैं। फिर ओपन बटन पर क्लिक करें। आप शीर्षक व उसका वर्णन भी जोड़ सकते हैं और वीडियो की गोपनीयता सेटिंग भी कर सकते हैं। एक बार जब वीडियो अपलोड हो जाता है तो आप वीडियो मैनेजर का प्रयोग करके उसकी गोपनीयता सेटिंग बदल सकते हैं या वीडियो को मिटा सकते हैं। पहले वीडियो मैनेजर पर क्लिक करें, तब जिस वीडियो को मिटाना है उस पर क्लिक करें, तब एक्शन मेन्यू पर क्लिक करें और डिलीट का चयन करें। एक पुष्टिकरण संदेश प्रकट होगा, यस डिलीट बटन पर क्लिक करने पर वीडियो मिट जाएगा। मुझे दिखाओ कि अब आप YouTube का प्रयोग स्वयं कर सकते हैं। बिल्कुल। स्टेप वन, YouTube होम पेज में साइन इन पर क्लिक करें। स्टेप टू, Google अकाउंट पेज प्रदर्शित किया जाएगा। अपना Gmail आईडी और पासवर्ड दर्ज करें और फिर साइन इन पर क्लिक करें। स्टेप थ्री, वीडियो अपलोड करने के लिए अपलोड बटन पर क्लिक करें। स्टेप फोर, सेलेक्ट फाइल्स पर क्लिक करें। स्टेप फाइव, उस वीडियो का चयन करें जिसे आप अपलोड करना चाहते हैं और ओपन बटन पर क्लिक करें। अपलोडिंग शुरू हो जाएगा। स्टेप सिक्स, अपना अकाउंट बंद करने के लिए साइन आउट पर क्लिक करें। अब हम विकिपीडिया के बारे में पढ़ते हैं। विकिपीडिया एक वेब एप्लीकेशन है जो कि किसी को वेबसाइट पर रखे गए कंटेंट को पढ़ने या एडिट करने की अनुमति देता है। किसी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए विकिपीडिया को प्रयोग करने के लिए उठाए जाने वाले कदम इस प्रकार हैं। पहले विकिपीडिया साइट पर जाएं, www.wikipedia.org। तब सर्च बार में टेक्स्ट टाइप करें, लैंग्वेज का चयन करें और फिर एरो बटन दबाएं। अगला पृष्ठ आपके द्वारा मांगी गई जानकारी को प्रदर्शित करेगा। पेज के सबसे ऊपर के भाग में पेज के कंटेंट्स उसके प्रत्येक भाग के हाइपरलिंक के साथ होते हैं। आप किसी विशेष सेक्शन पर क्लिक करके सीधे उस सेक्शन पर जा सकते हैं। सामान्यतः सभी पेजों के आखिरी से दूसरा पिछले भाग सी ऑल्सो का होता है, जहां संबंधित लिंक दिखाए गए होते हैं, और अंतिम भाग रेफरेंसेस का होता है जिसमें संबंधित विषय के विभिन्न लिंक दिए होते हैं। विकिपीडिया में किसी लेख को संपादित करने के पद हैं। पहला, यदि आप वर्तमान में उपयोगकर्ता हैं तो साइन इन करें अथवा अकाउंट बनाएं। तत्पश्चात सफलतापूर्वक साइन इन करने के पश्चात एडिट लिंक पर क्लिक करें। अब वह उस पेज के लिए लेख युक्त एक विंडो खोलेगा। कुछ पर टाइप करें या वहां जो लेख मिले उसमें परिवर्तन करें। यदि पेज के शीर्ष पर आपको एडिट का विकल्प न दिखाई दे तो शायद पूर्ण परिवर्तनों की अधिक घटनाओं के कारण यह पेज संरक्षित है। यदि आप लेख के भाग में छोटा परिवर्तन कर रहे हैं तो उस भाग के बगल में एडिट लिंक पर क्लिक करें। यह बिना पूरा लेख खोले आपको लेख के उस भाग में परिवर्तन की अनुमति दे देगा। अब पेज के अंत पर एडिट समरी बॉक्स में अपने द्वारा किए गए परिवर्तनों की व्याख्या दें।
अपने द्वारा किए गए परिवर्तनों की पूर्व समीक्षा करने के लिए शो प्रीव्यू बटन पर क्लिक करें। यदि आप अपने द्वारा किए गए कार्य से संतुष्ट हैं, तो पेज के नीचे सेव पेज बटन पर हिट दें। विकिपीडिया पर पेज बनाने से पूर्व आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पेज बनाने से पूर्व मौजूदा लेख खोजें। कोई आर्टिकल बनाने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि उसी विषय पर कोई आर्टिकल नाम में थोड़े फर्क के साथ पैराग्राफ पहले से ही तो मौजूद नहीं है। आप जिस बारे में लिख रहे हैं उसके बारे में सूचनाओं का स्रोत ढूंढें। आर्टिकल सोर्सिंग के ढंग पर विस्तृत निर्देश विकिपीडिया के WP साइट पेज पर पाए जा सकते हैं। विकिपीडिया इन विषयों पर पेज बनाने की अनुमति नहीं देता है। व्यापार के लिए अपने उत्पाद का विज्ञापन, व्यक्तिगत निबंध या मूल अनुसंधान, पर्याप्त साइटेशन के बिना उल्लेखनहीन विषयों पर, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आपसे ही संबंधित, किसी व्यक्ति या संगठन पर हमला, स्थानीय लाभ लेख, ब्रेकिंग न्यूज की घटनाएं। विकिपीडिया के अपने लेख में योगदान करने के टिप्स हैं, प्रचार की भाषा न जोड़ें, जोड़ी गई या एडिट की गई सामग्री का उद्देश्य स्वर नैसर्गिक बनाए रखें, ग्राहक विषय से अपने रिश्ते का खुलासा, पेज बनाने में व्यक्तिगत खातों का प्रयोग न करें, मददगार की भर्ती करें, समान विषय पर कार्य करने वाले प्रायोजक खोजें या विषय लेख में विचार प्रस्तुत करें। विकिपीडिया में पेज बनाने के लिए पद हैं। पहला, यदि आप वर्तमान में उपयोगकर्ता हैं तो साइन इन करें अथवा अकाउंट बनाएं। सर्च बॉक्स में अपने पेज का शीर्षक टाइप करें, फिर गो पर क्लिक करें। यदि जिस पेज का आपने अनुरोध किया है अस्तित्व में नहीं है तो सर्च पेज रिपोर्ट में लाल रंग में आर्टिकल के नाम के बाद यू मे क्रिएट द पेज की रिपोर्ट देता है। तब आप लाल आर्टिकल के नाम पर क्लिक कर आर्टिकल बनाना शुरू कर सकते हैं। यह एक ब्लैंक एडिटिंग विंडो खोलेगा। पेज में टॉप पर दिए गए निर्देशों को पढ़ें और फिर कंटेंट लिखना शुरू करें। अब पेज के अंत पर एडिट समरी बॉक्स में अपने द्वारा किए गए परिवर्तनों की व्याख्या दें। अपने द्वारा किए गए परिवर्तनों की पूर्व समीक्षा करने के लिए शो प्रीव्यू बटन पर क्लिक करें। यदि आप अपने परिवर्तनों को आपके द्वारा लिखे गए टेक्स्ट में तुलना करना चाहते हैं तो शो चेंजेस बटन दबाएं। यदि आप अपने द्वारा किए गए कार्य से संतुष्ट हैं तो पेज के नीचे सेव पेज बटन। मुझे दिखाओ कि अब क्या तुम विकिपीडिया का प्रयोग अपने आप कर सकते हो। ठीक है। स्टेप वन, विकिपीडिया होम पेज में अपनी सुविधा के अनुसार भाषा का चयन करें। स्टेप टू, लॉगिन पर क्लिक करें और अपना यूजर नेम और पासवर्ड दर्ज करें। स्टेप थ्री, सर्च बॉक्स में अपने लेख का शीर्षक टाइप करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वही शीर्षक पहले से मौजूद तो नहीं है। स्टेप फोर, यदि पेज मौजूद नहीं है तो अपना लेख बनाना शुरू करने के लिए लाल रंग में प्रकाशित लेख नाम पर क्लिक करें। स्टेप फाइव, यह रिक्त संपादन विंडो प्रदर्शित करेगा। विंडो में कंटेंट लिखना शुरू करें। स्टेप सिक्स, अपने लेख को प्रकाशित करने के लिए सेव पेज दबाएं। आपका पेज बन जाएगा। मुझे यकीन है कि तुम YouTube व विकिपीडिया के विषय में काफी कुछ जान गए हो। चलो अब गतिविधि में भाग लेते हैं। अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के निकट संपर्क में रहने के कई तरीके हैं। यह व्हाट्सएप के माध्यम से होता है। दीदी, व्हाट्सएप क्या है? व्हाट्सएप एक विज्ञापन मुक्त मोबाइल मैसेजिंग एप्लीकेशन है जो उपयोगकर्ताओं को लिखित व मीडिया संदेशों का इंटरनेट डाटा प्लान या वाईफाई के द्वारा आदान प्रदान करने की अनुमति देता है। उपयोगकर्ताओं को कोई चार्ज नहीं देने पड़ते हैं, बल्कि कंपनी सेवाएं प्रयोग करने का छोटा वार्षिक शुल्क लेती है। व्हाट्सएप को अपने मोबाइल पर प्रयोग करने के लिए निम्न पदों का अनुसरण करें। पहले अपने स्मार्टफोन या टैबलेट के मेन्यू विकल्प पर जाएं। मेन्यू में प्ले स्टोर विकल्प पर टैप करें। आप ऑन स्क्रीन मेन्यू जिसमें कि एप्स, बुक्स, मूवीज और गेम्स शामिल हैं पर नेविगेट कर एप्स व कंटेंट खोज सकते हैं। अब दिखाए गए किसी एक विकल्प पर क्लिक करें। अब सर्च बार में व्हाट्सएप टाइप करें। एप्लीकेशनों की लिस्ट प्रकट होगी
जो सही हो उसे ढूंढें और फिर उस पर क्लिक करें। अब व्हाट्सएप को अपने फोन या टैबलेट पर इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉल बटन पर क्लिक करें। अब व्हाट्सएप को खोलने के लिए इसके आइकॉन पर क्लिक करें। अब यह पुष्टिकरण के उद्देश्य से आपसे आपका फोन नंबर एंटर करने को कहेगा। उसको एंटर करने के पश्चात ओके बटन दबाएं। अब अपना नाम एंटर करें और यदि चाहें तो अपना प्रोफाइल फोटो अपलोड करें और फिर नेक्स्ट दबाएं। व्हाट्सएप डिवाइस में व्हाट्सएप होने के कारण स्वचालित रूप से आपकी संपूर्ण संपर्क सूची मंगा लेगा। सर्च बार एक एक कॉन्टैक्ट सर्च करें जिससे आप चैट करना चाहते हो, फिर उस पर क्लिक करें। अब एडजेसेंट स्क्रीन दिखाई देगी। आप स्क्रीन के तल पर दिए हुए बॉक्स में संदेश टाइप कर सकते हैं। नीचे बाएं कोने पर दिए गए बटनों का प्रयोग करके इमोजी डाले जा सकते हैं। नीचे बाएं कोने पर दिए गए बटनों का प्रयोग करके ऑडियो मैसेज भेजा जा सकता है। अब वीडियो, फोटो, अपनी करंट लोकेशन या वर्तमान स्थान और संपर्क को भेजने के लिए ऊपर के दाहिने बटन पर क्लिक करें और अपनी पसंद के हिसाब से चुनें। अब आवेदन की अन्य सुविधाओं का उपयोग करने के लिए अपने स्मार्टफोन के बाएं या दाएं बटन पर क्लिक करें। दी गई स्क्रीन दिखाई देगी। यदि आप किसी के साथ चैट करना चाहते हैं तो न्यू चैट बटन पर क्लिक करें। एक ही स्थान से दो या अधिक लोगों से एक साथ चैट करने के लिए ग्रुप बनाने हेतु न्यू ग्रुप बटन पर क्लिक करें। उसी मैसेज को एक से अधिक प्राप्तकर्ताओं को भेजने के लिए न्यू ब्रॉडकास्ट लिस्ट पर क्लिक करें। संपर्क सूची पर जाने के लिए कॉन्टैक्ट बटन पर क्लिक करें। स्टेटस अपलोड करने के लिए बटन पर क्लिक करें। अपना स्टेटस अपलोड करने के लिए बटन पर क्लिक करें। आसन्न स्क्रीन दिखाई देगी। यदि आप सेटिंग बदलना चाहते हैं तो सेटिंग्स बटन पर क्लिक करें। आसन्न स्क्रीन पर प्रकट होगी। अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हेल्प बटन पर क्लिक करें। अपना नाम व प्रोफाइल फोटो बदलने के लिए प्रोफाइल बटन पर क्लिक करें। प्राइवेसी सेटिंग बदलने के लिए, पेमेंट करने के लिए, नंबर बदलने के लिए, अकाउंट मिटाने के लिए और नेटवर्क का उपयोग जानने के लिए अकाउंट बटन पर क्लिक करें। अपनी चैटिंग, नोटिफिकेशंस और कॉन्टैक्ट्स सेटिंग के लिए संबंधित चैट सेटिंग्स, नोटिफिकेशंस और कॉन्टैक्ट्स बटन पर क्लिक करें। मुझे दिखाओ कि तुम व्हाट्सएप का प्रयोग अपने आप कर सकते हो। बिल्कुल। स्टेप वन, अपने मोबाइल फोन या टैबलेट पर व्हाट्सएप आइकन पर क्लिक करें। यह आपके कॉन्टैक्ट्स की एक सूची प्रदर्शित करेगा जो व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। स्टेप टू, उस नाम पर क्लिक करें जिससे आप चैट करना चाहते हैं। एक मैसेजिंग विंडो खुल जाएगी। स्टेप थ्री, अपना मैसेज टाइप करें और सेंड पर क्लिक करें। स्टेप फोर, वीडियो या फोटो भेजने के लिए चैट स्क्रीन के शीर्ष पर अटैच आइकन पर क्लिक करें। स्टेप फाइव, गैलरी बॉक्स खुल जाएगा। जिस वीडियो या फोटो को आप भेजना चाहते हैं उसे क्लिक करें या चुनें। यह स्वतः ही फाइल भेजना शुरू कर देगा। तो रोहन, तुमने देखा कि ऑनलाइन सोशल नेटवर्क सर्विस को संचार के लिए प्रयोग करना कितना आसान है। हालांकि इन साइटों के दुरुपयोग से कुछ कानूनी समस्याएं उठ खड़ी हुई हैं। सही, किस तरह की कानूनी समस्याएं? सोशल नेटवर्किंग के कानूनी मुद्दे उन ऑनलाइन कार्यों व चूकों से संबंधित हैं जिनसे सिविल व आपराधिक दायित्वों का जन्म हो रहा है। सोशल नेटवर्किंग मीडिया भारत के सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 आईई एक्ट 2000 के अर्थ में एक मध्यस्थ है। सोशल नेटवर्किंग साइटें उन विभिन्न कार्यों व चूकों के लिए जिम्मेदार हैं जो कानून के तहत दंडनीय हैं। उदाहरण के लिए, भारत में सोशल नेटवर्किंग साइटें IPRS के साथ साथ ऑनलाइन कॉपीराइट के उल्लंघन के लिए भी जिम्मेदार है। कुछ गैर कानूनी गतिविधियां जो सोशल मीडिया के साथ जुड़ी हो सकती हैं इस प्रकार हैं: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, खोज व जब्त करने के मुद्दे, कॉपीराइट व अतिलंघन और अन्य बौद्धिक अधिकार, व्यक्तिगत प्रचार व गोपनीयता का उल्लंघन, अश्लील व अपमानजनक सामग्री व बयान, संचार सुविधाओं के माध्यम से आपत्तिजनक संदेश भेजने के लिए दंड। भारतीय संविधान में कुछ नियम व विनियम हैं जो आईटी एक्ट की धारा 66A को आच्छादित करते हैं। उन नियमों के उल्लंघन पर दंड देने के नियम इस प्रकार हैं:
कोई व्यक्ति जो कंप्यूटर संशोधन या किसी अन्य संचार यंत्र द्वारा कोई ऐसी सूचना भेजता है जो मोटे तौर पर आक्रामक या धमकाने वाली प्रकृति की हो, कोई ऐसी सूचना जिसका वह असत्य होना जानता हो, फिर भी झुंझलाने, असुविधा, खतरा व बाधा उत्पन्न करने, अपमानित करने, चोट पहुंचाने, आपराधिक धमकी, शत्रुता, घृणा व द्वेष के प्रयोजन से लगातार कंप्यूटर संशोधन या किसी अन्य संचार यंत्र का उपयोग करता है। कोई इलेक्ट्रॉनिक मेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेज पता धारक या प्राप्तकर्ता को झुंझलाने, असुविधा या धोखा दे। मैसेज के उत्पत्ति का मूल, 1 वर्ष तक का कारागार, 3 वर्ष तक की अवधि तक विस्तार किए जा सकने वाले व अर्थदंड की सजा का भागीदार होगा। दीदी, मैं नहीं जानता था कि स्मार्टफोन व टैबलेट से इतनी सारी चीजें कर सकते हैं। यह बहुत रोमांचक है। हाँ, यह है रोहन। अब तक आपने मैसेजिंग सेवाओं के बारे में बहुत सीखा। अब हम लोग मजेदार गतिविधि में